हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस साइड इज अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं ऐसा क्या खास और नया है इस वेब सीरीज में जिसकी वजह से ये वेब सीरीज आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। मैंने 6 बच्चों को अडॉप्ट किया है जिनमें ऐसे हुनर हैं जो आम बच्चों में नहीं है। तो पेश है अम्ब्रेला एकेडमी। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 1 घंटे लंबा है। इस वेब सीरीज में लीड रोल पर हैं एलाइट पेज, डेविड कास्टनेडा, टॉम हूपर, एमी रेवर, रॉबर्ट शीहान, जस्टिन एच, एडन गैलागर एंड कॉन फ्योरी। वेब सीरीज शुरू होती है कुछ ऐसे बच्चों के जन्म से जिनका कोई बाप नहीं और उनकी मदर भी जस्ट 2 मिनट पहले ही प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसे 43 बच्चे पैदा होते हैं और सारे बच्चे एक ही दिन और एक ही डेट पर पैदा होते हैं। सभी बच्चों में से 7 बच्चों को हारग्रीव्स नाम का एक बंदा अडॉप्ट कर लेता है और उनको ट्रेनिंग देता है फ्यूचर में आने वाली कयामत को कैसे रोका जाए, और ये ट्रेनिंग उनको अम्ब्रेला एकेडमी में दी जाती है। हारग्रीव्स बच्चों को ट्रेनिंग देने में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि सारे बच्चे उनसे नफरत करने लगते हैं, और सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो वानिया यानी नंबर 7 के साथ होते हैं, और वो सभी बच्चों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके नंबर से बुलाते हैं, जैसे कि नंबर 1 लूथर, नंबर 2 डियागो, नंबर 3 एलिसन, नंबर 4 क्लाउस, नंबर 5, नंबर 6 बैन एंड नंबर 7 वानिया। और इन सभी बच्चों के पास अलग अलग सुपर पावर्स भी होती हैं। हारग्रीव्स के खराब बिहेवियर की वजह से सभी बच्चे एक एक करके अम्ब्रेला एकेडमी को छोड़कर चले जाते हैं। सभी बच्चों के अलग होने के बाद एक दिन अचानक हारग्रीव्स की मौत हो जाती है और सभी बच्चे अम्ब्रेला एकेडमी वापस आ जाते हैं सिवाय नंबर 5 को छोड़ के। नंबर 5 हारग्रीव्स की मौत के एक दिन बाद आता है। अम्ब्रेला एकेडमी के सुपर हीरोज बच्चे क्या आने वाली कयामत को रोक पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी। बात करें डायरेक्शन की जो कि कमाल का है, इतने सारे कैरेक्टर होने के बावजूद उन्होंने सबसे अच्छी तरीके से काम लिया है। बात करें सभी एक्टर की परफॉर्मेंस का तो यहाँ सबसे आगे नाम निकल के आएगा नंबर 5 का। उनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपको पूरी फिल्म में कहीं भी बोर नहीं होने देगी। उसके बाद रॉबर्ट शीहान की एक्टिंग भी माइंड ब्लोइंग है, उन्होंने एक ड्रगेटिक के रोल को बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है। बाकी सभी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, सब ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है। अब आते हैं एक्शंस और ग्राफिक्स पे जो कि माइंड ब्लोइंग है। आप इस वेब सीरीज के एक्शन और ग्राफिक्स से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। अगर आपने अब तक द अम्ब्रेला एकेडमी नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही अलग और यूनिक कंसेप्ट पर बनाई गई है। मेरी फाइनल रेटिंग द अम्ब्रेला एकेडमी के लिए 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर मेरा रिव्यू आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूं अदनान खान, आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।